आज कक्षा 6 के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन हिंदी लैंग्वेज पार्ट 4 में एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 कराई जा रही है तथा एक्सरसाइज 3 और 5 होमवर्क में दी जा रही है। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी नोटबुक पर क्वेश्चन आंसर सारी एक्सरसाइज करेंगे और तैयार करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, संज्ञा को परिभाषित करते हुए उसके भेद बताइए। अगला है व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर है। अगला है भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है तथा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इसी पेज में ऊपर हम जाएंगे। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी एवं भाववाद के नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे जो है उसके भेद दिए गए हैं, 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा में अंतर केवल प्रयोग की दृष्टि से होता है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए सर्वनाम विशेषण क्रिया एवं अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर 4 का उत्तर जानने के लिए पेज नंबर 28 पे जाएंगे और नीचे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा दी गई है जिसे लिखेंगे। इस प्रकार 4 ही प्रश्न जो है करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 सही उत्तर बॉक्स में लिखिए, प्राणी वस्तु स्थान एवं भाव को क्या कहते हैं। तो इसे संज्ञा कहते हैं। वाक्य नंबर 2 किसी विशेष व्यक्ति स्थान व प्राणी का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं। इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य पशु पक्षी पर्वत डॉक्टर अध्यापक आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिस संज्ञा से प्राणी के गुण दोष या अवस्था का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तथा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है किसी का भी हो। एक्सरसाइज नंबर 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी स्टूडेंट्स जो है होमवर्क के रूप में करेंगे। और एक एक्सरसाइज अगले पेज पे दी गई है जिसमें एक्सरसाइज नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा लिखिए। इसको भी सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और तैयार करेंगे। आज कक्षा 6 के स्टूडेंट के लिए इतना पर्याप्त है। ओके।